मॉर्निंग क्लास. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ पॉलिनेशन. फर्स्ट वी नो अबाउट व्हाट इज द पार्ट ऑफ पॉलिनेशन. ओके, दिस इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. हेयर इज प्रेजेंट सम मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट. ओके, दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, स्टाइल स्टिग्मा ओवरी, विच इज ऑल्सो नोन एज पिस्टल. पिस्टल भी कहते हैं क्लास इसे, और कार्पल भी कहते हैं, कार्पल, CARPELS. ओके, जो फीमेल पार्ट होता है उसे पिस्टल भी कहते हैं क्लास, कार्पल्स भी कहते हैं. कहीं अगर कार्पल पिस्टल लिख के आए तो आप समझ लीजिएगा फ्लावर के फीमेल पार्ट की बात हो रही है, जिसको आप स्टाइल स्टिग्मा ओवरी कह रहे हैं. ठीक है, स्टिग्मा इसे अपर पार्ट, जो अपर पार्ट होता है फ्लावर के, जो फीमेल पार्ट का अपर पार्ट होता है वो उसको कहते हैं. और रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो उसमें प्रेजेंट होता है उसे स्टाइल कहते हैं. ओवल शेप स्ट्रक्चर जो होता है उसे ओवरी कहते हैं. ओवरी के अंदर ही ओव्यूल होता है. ठीक है क्लास, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है. ये ओवरी ही फ्रूट में डेवलप होती है, ओव्यूल सीड में डेवलप होता है, बीज में मतलब. ठीक है, रिसेप्टिकल्स ब्रांच से ऐड होते हैं क्लास, ब्रांच ये जो आप देख रहे हैं. सेपल्स, सेपल्स जो इसमें जो इसका बेस होते हैं, जो ग्रीन ग्रीन कलर के बेस फूल फ्लावर के नीचे जो लगे होते हैं उनको सेपल्स कहते हैं क्लास. पेटल्स आप जानते हैं, फूलों की पंखुड़ियों को पेटल्स कहते हैं क्लास. ये एंथर और फिलामेंट देख रहे हैं आप. एंथर बाइलोब स्ट्रक्चर है, लोब तरीके का स्ट्रक्चर, मतलब सर्कुलर ऐसे तरीके का स्ट्रक्चर होता है. ये जो इसमें जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है, दो सर्कुलर स्ट्रक्चर है, बाइलोब बोलते हैं इसे, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर को आप एंथर कहते हो क्लास. और रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो इसमें प्रेजेंट है, जिससे अटैच्ड है ये एंथर, उसे फिलामेंट कह रहे हो आप. ये एंथर और फिलामेंट मेल पार्ट हैं. अगर ये मेल पार्ट लिख के आए तो आप समझ जाना कि अगर सॉरी स्टेमन लिख के आए तो आप समझ जाना मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर की बात हो रही है, एंथर और फिलामेंट की बात हो रही है क्लास. ये हो गए आपके पार्ट की बात हो गई क्लास. अब पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन. क्या होता है? एंथर के अंदर यहाँ छोटे 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 पॉलन ग्रेन भरे रहते हैं. ये पॉलन ग्रेन जब विंड के थ्रू या वाटर के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू, इंसेक्ट यहाँ पे बैठा, फिर इंसेक्ट स्टिग्मा पे बैठ गया, तो ये पॉलन ग्रेन उनके चिपक जाते हैं, उनके जो उसमें क्या बोलते हैं, उनके मतलब लेग में, और फिर वो आ जाते हैं आपके स्टिग्मा पे. तो स्टिग्मा पे बैठ के वो इस यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं उन पॉलन ग्रेन को, जिससे पॉलिनेशन की आपकी प्रोसेस हो जाती है. मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन. एंथर से पॉलन ग्रेन निकले, वो कहाँ पे आ गए? स्टिग्मा पे आ गए. स्टिग्मा पे आ गए किसकी? फीमेल पार्ट पे आ गए, मतलब फ्लावर की फीमेल पार्ट पे आ गए. तो इसको आप प्रोसेस को कह रहे हो पॉलिनेशन. यहाँ तक आपको होपफुली क्लियर होगा.